स्वागत है आपका चिल्ली टीनो किचन में। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ सिंधी कढ़ी। तो इससे पहले मैंने पकौड़े बनाए थे, तो मैंने आपको अपनी रेसिपी में बताया था कि इसी पकौड़े से मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो मैं आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिए आप सबके सामने हैं। छाछ, आप छाछ की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से फेंट के, थोड़ा बेसन, धनिया पाउडर, राई, रेड चिली पाउडर, हल्दी, हींग, सॉल्ट। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक एंड रेड चिली का पेस्ट बनाया हुआ है, तो हमें ये चाहिए। आपके पास ग्रीन चिली हो तो आप रेड चिली की जगह पे ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं। तेज पत्ता, अनियन एंड रेड चिली साबुत, ये हमें तड़के के लिए चाहिए। और पकौड़े जो कि हमने बनाए थे और इसकी रेसिपी आपसे शेयर की थी इससे पहले, और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में हम बनाएंगे ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें छाछ और बेसन का घोल तैयार करना है, तो चलिए वो करते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने छाछ ले लिया है, ये पूरा हाफ लीटर छाछ है। अब उसमें मैं मिक्स करूँगी ये बेसन, टू स्पून ऑफ बेसन मिक्स करना है हमें। अब इसे अच्छा सा मिक्स देना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, मैं इसकी हेल्प से मिक्स करूँगी। तो चलिए मिक्स करते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये तेज पत्ता, हींग, राई, नाउ ऐड दिस जिंजर गार्लिक एंड रेड चिली पेस्ट, मिक्स इट प्रॉपरली एंड इसे अच्छे से भुनिए तब तक जब तक कि लहसुन की कच्ची वाली जो स्मेल है वो ना चली जाए। नाउ ऐड हल्दी इन दिस, हमें हल्दी को इस ऑयल में ही पकाना है, तो इसे ऐड करिए और मिक्स करिए अच्छे से। सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे बेसन और छाछ का मिक्सचर। फ्रेंड ये हो चुका है, आप देख सकते हैं लहसुन भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो हम इसमें ऐड करेंगे मिक्सचर ऑफ छाछ एंड बेसन, मैंने यहाँ पर इसे मिक्स कर दिया है, डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे थोड़ा पकने देते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ में हमें ये करना है कि गर्म पानी मैंने किया है, तो ये पकौड़े इसमें मैं ऐड करूँगी और 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ दूँगी। ये पकौड़े इसमें गर्म पानी में डाल के छोड़ दिया है, 2 मिनट बाद इसे निकालूँगी। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, फ्रेंड अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। फ्रेंड्स ये कढ़ी धीरे धीरे ठीक हो रही है, जैसे थोड़ी और ठीक हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे पकौड़े। फ्रेंड्स यहाँ पर कढ़ी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करते हैं पकौड़े। चलिए मैंने ये पकौड़े यहाँ ऐड कर दिए हैं, अब साथ में तड़का रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर हमने देसी घी ले लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे ये रेड चिली, थोड़ा जीरा, हींग एंड दिस पैटर। इसे अच्छे से थोड़ा पकाइए, प्याज थोड़ा सा अच्छे से पक जाए फिर हम इसे ऐड करेंगे कढ़ी में। हमारी कढ़ी बिल्कुल बनके रेडी है, अब हम फिर इसमें तड़का देंगे और आपको सर्व करेंगे। आप भी ये बनाइए अनियन पकौड़ा कढ़ी एंड एंजॉय करिए। चलिए तड़का यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए ऐड करते हैं हम इसे कढ़ी में। फ्रेंड्स तो ये कढ़ी बनके बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे तड़का भी दे दिया है, तो आप इसे एंजॉय करिए, खाइए, बताइए कैसा लगा।
कुछ कमी हो तो कमेंट और फीडबैक दीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चटवाई टीनू को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।